हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री फिजिकल फिनोमेना, दैट इज करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट बच्चे आप पढ़ चुके हो, करंट को आपने डिफाइन किया था। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सिमिलरली वोल्टेज पे आप स्टडी कर चुके हो, वोल्टेज आपने कैसे डिफाइन की थी। वोल्टेज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट द अदर पॉइंट एंड द एसआई यूनिट इज वोल्ट। थर्ड वन इज रेजिस्टेंस, व्हिच इज द ओपोजिशन टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड इट इज सिमिलर टू द फ्रिक्शन एंड देयर एसआई यूनिट इज ओम। नाउ अगर क्वेश्चन आपके पास आए स्टेट द ओम्स लॉ, स्टेट द ओम्स लॉ, तो आपने किस तरह से लिख करानी है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, करंट के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो ये है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। अगर पेपर में आती है स्टेट द ओम्स लॉ, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख कर आनी है। ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बट द कंडीशन इज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो यहां से ये स्टेटमेंट आप इस तरह से लिख सकते हो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाई आर, कैपिटल आर। वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेटा ओम्स लॉ हम कहाँ यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ हम कहाँ यूज करते हैं, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज अप्लाई कर सकें फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो ओम्स लॉ इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू अप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर गिवन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ये ट्रायंगल आपको एक शो हो रहा है, दैट ट्रायंगल ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप अभी हमने लिखा है, V इज इक्वल टू आई आर, ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वेयर V वोल्टेज, I इज अ करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस। V अगर आपने कैलकुलेट करना है तो I और R दोनों साथ साथ हैं, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई V इक्वल टू आई आर। अगर आपको I कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल में तो I इक्वल टू V अपॉन R, V न्यूमरेटर में, R डिनोमिनेटर। Similarly for the resistance R, R is written as V upon I, V numerator में और I कहाँ आएगा, denominator में आएगा। And the SI unit of resistance is ohm। अभी हमने पढ़ा R को कैसे लिखेंगे हम, R is equal to V upon I। चलिए अब define करते हैं 1 ohm को। तो 1 ohm किस तरह से define किया जाएगा, 1 ohm is defined as if the potential difference across the ends of conductor is 1 volt। अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तब हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम एंड इट इज रिटन एज 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। अब यहाँ पे जो हमने एक रिलेशनशिप लिखा है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, यहां से आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो करंट है ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो कर रहा है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल करें या 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, तो करंट की वैल्यू क्या इफेक्ट होगा, करंट की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। तो करंट की वैल्यू कैसे होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डबल करेंगे तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो वो 1/3 हो जाएगी, 4 टाइम्स करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो करंट कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हो, एक होता है फिक्स रेजिस्टर, दूसरा है वेरिएबल।
वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रियोस्टेट भी बोलते हो। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। रियोस्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, रियोस्टेट एक वो कंपोनेंट है बच्चे जो यूज किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। वोल्टेज जो हमने सोर्स वोल्टेज लिए उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, हम किसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बेस पे एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 11.1। इस एक्टिविटी में क्या किया बच्चे, एक नाइक्रोम की वायर ली है एक्स वाई, ये एक नाइक्रोम की वायर है। नाइक्रोम एक एलॉय होता है जो किससे मिलकर बनता है, निकल क्रोमियम मैग्नीज एंड आयरन मेटल। एमीटर सर्किट में यूज किया गया है, वोल्टमीटर सर्किट में यूज किया है, और चार सेल यहाँ पे यूज की गई है। और यहाँ पे ये जो की है ये किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, ये क्लोज स्टेट में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस एक्टिविटी में क्या किया बच्चे, आपको पहले एक सेल के साथ वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है, देन दो सेल के साथ आपको वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है। सिमिलरली आपको थर्ड सेल और फोर्थ सेल के साथ आपको क्या करनी है, रीडिंग्स नोट डाउन करनी है। रीडिंग्स को नोट डाउन करने के बाद आपको रेशियो निकालनी है किस किस की, वी अपॉन आई की। तो जब आप इसकी रेशियो निकालोगे, रेशियो निकालने पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आप ऑब्जर्व करोगे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ये आपने ग्राफ प्लॉट किया, वैल्यूज कुछ ऐसे आई हैं। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे सेम वैल्यू आएगी, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज 0.2, सिमिलरली 1.2। इस तरह से जब आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपके जो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं, क्या करेंगे, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने के लिए वहां पे मिलेगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइज होता है कि यहाँ पे हम नाइक्रोम वायर को एज अ हीटिंग एलिमेंट अप्लायंसेस के अंदर क्यों यूज करते हैं, why nichrome wire is used as a heating element in appliances। तो क्यों यूज करते हैं बच्चे, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, और दूसरा इट ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस, जिससे क्या होगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन अप्लायंसेस। क्यों बच्चे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, नाइक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट ऑफर वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज 11.2। इस एक्टिविटी में क्या किया बच्चे, नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज 11.2। इस एक्टिविटी में बच्चे क्या किया है, आपने तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए हैं, कौन कौन से, एक है नाइक्रोम वायर, दूसरा है 10 वोल्ट का बल्ब, और तीसरा जो है वो टोर्च का। करना क्या है आपको, एक्स वाई यहाँ पे एक बार ये वायर कनेक्ट करनी है, आपको एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है, वैल्यू देखनी है क्या आएगी। सिमिलरली फिर 10 वोल्ट का कॉम्पोनेंट यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, और फिर टोर्च बल्ब कनेक्ट करोगे। ठीक है, तीनों डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे, तीनों कॉम्पोनेंट्स में आपने एमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करना है, और आपको बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो तीनों ही केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं अलग अलग केस में, हम तीनों केसेस में ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी जो एमीटर की रीडिंग है वो क्या आएगी बच्चे, डिफरेंट आएगी। एमीटर की रीडिंग डिफरेंट आएगी क्यों, क्योंकि तीनों कॉम्पोनेंट की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट है। रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से जो करंट है वहां पे वो किसी में कम फ्लो करेगा, किसी में ज्यादा फ्लो। रेजिस्टेंस वैल्यू दोस कॉम्पोनेंट विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस आर नॉन एज इंसुलेटर एंड विच ऑफर लो रेजिस्टेंस आर टर्म्ड एज कंडक्टर। तो देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फ्लो करेगा, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया, इसकी वजह से बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम इन विच दे मूव, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब वो कंपोनेंट्स इनमें लो रेजिस्टेंस होता है दे आर टर्म्ड एज कंडक्टर, और जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेजिस्टर।